जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 10वां चैप्टर जिसका नाम है परिवहन और संचार, और आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर है जिसमें आज की इस अंतिम क्लास में हम बात करेंगे वायु परिवहन के बारे में, विश्व की पाइपलाइंस के बारे में, और कुछ सामान्य बातें हम संचार यानी नेटवर्क पर भी करेंगे, क्योंकि संचार की परिभाषा, उसके साधन, उनके बारे में हम चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वायु मार्ग से। तो वायु परिवहन, वायु मार्ग, वायु परिवहन, देखिएगा सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भी इसकी शुरुआत कब हुई। तो समझिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब बात आती है भी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो आपको पता है 1914 से 1919 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इस वायु परिवहन की है वो शुरुआत होती है। और हमारा जो वर्तमान टाइम है, वर्तमान जो युग है, इसे हवाई युग कहा जाता है। वर्तमान युग को हवाई युग कहा जाता है। और अगर ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से हम देखें तो वायु परिवहन एक तो बहुत तेजी से सफर तय करता है, यानी यूं कह दूं भी बहुत ही तेज होता है ये, लेकिन महंगा है। जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देगा, यानी बहुत लंबी दूरियों को बहुत कम टाइम में संपन्न करवा देगा, लेकिन भाई महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भी कोई चीज़ जो हल्की होती है या जो कीमती चीज़ें हैं या बहुत जल्दी नष्ट होने वाली जो चीज़ें होती है, उन्हीं का परिवहन हम इस वायु परिवहन के माध्यम से करते हैं। और ये हवाई सेवा या वायु सेवा की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है ये हमारी पृथ्वी है, और ये सेंटर, ये ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र है, जिसमें हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप है, वो आ जाते हैं मुख्यतः। तो इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही वायु परिवहन जो सेवा है वो अधिक विकसित है, यानी विकसित रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। और जो हमारी विश्व की जो टोटल वायु परिवहन की जो फैसिलिटी है, उसका 60% जो हिस्सा है वो तो अकेला यूएसए ही यूज़ करता है। तो यानी इसका मतलब अगर एक देश की बात करें तो यूएसए है वो ज़्यादा इस वायु परिवहन को है वो प्राथमिकता देता है। अब ये तो हुई इसकी थोड़ी सी सामान्य बातें भी एयरलाइंस के बारे में, यानी एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब एक प्रश्न जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है वायु मार्गों के प्रकार। एक चीज़ ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आप समझ लें, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा में आपके विश्व मानचित्र का 2 नंबर का एक प्रश्न आना है, जिसमें अब तक परीक्षा में कौन कौन सी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी वो हम जो प्रीवियस चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। यानी मेन मेन लोकेशन, चाहे वो जलमार्गों की बात है या बंदरगाहों की बात है, लो इस्पात उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है उनकी बात है, तो उनके अंतर्गत जो नाम आए हैं मुख्य नगरों के या प्रमुख देशों की प्रमुख राजधानियों के, हमने जो नाम समझने की कोशिश की है, उनके लोकेशन को समझने की कोशिश की है, लगभग वही लोकेशन वायु परिवहन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी वही शब्द यहाँ पर आएंगे, उन्हीं शहरों के, राजधानियों के नाम आएंगे। तो आपको ज़्यादा इस टॉपिक में कोशिश करनी है भी वो लोकेशन किस महाद्वीप में है या उस महाद्वीप के किस देश में है वो नगर या वो शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके अध्याय की अगर बात करूं, चैप्टर की बात करूं, तो उसका जो 10वां डायग्राम है, यानी 10.10 जो मानचित्र आपको दिया गया है, उसमें सारी प्रमुख लोकेशनें हैं वो दी गई है। आपको तो उनमें से मेन मेन पे ध्यान देना है, और मैं तो कहूं बहुत ज़्यादा है ही नहीं ध्यान देने वाली बात,
क्योंकि इससे पूर्व में हम जिन जिन लोकेशन की बात कर चुके हैं वहाँ उन सभी जगहों पर सब में एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, वो अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा टेंशन वाला टॉपिक है ही नहीं है। बस हाँ, कोई एक नंबर दो नंबर के प्रश्न में एक प्रश्न आपसे अच्छा पूछा जा सकता है भी वायु मार्गों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो छः भागों में बांटा गया है। वो छः भाग आप थोड़ा देख लें। पहला है अंतर महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, दूसरा है महाद्वीपीय वायु मार्ग, तीसरा है राष्ट्रीय वायु मार्ग, चौथा है प्रादेशिक वायु मार्ग, पांचवा है स्थानीय वायु मार्ग और छठा है सैनिक युद्ध कूटनीतिक राजनीतिक महत्व की जो वायु यात्रा यानी जिन मार्गों से होती है उनका उल्लेख। तो वायु मार्गों को मुख्यतः विश्व में छह प्रकारों में बांट रखा है। अब एक एक करके इनकी आप परिभाषा देख लें। मुख्य अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय शब्द का मतलब होता है अलग अलग महाद्वीपों के, यानी इसमें एक से अधिक महाद्वीप की बात आ रही है, तो अलग अलग महाद्वीपों के देशों को जोड़ने वाला मार्ग। कौन सा मार्ग? वायु मार्ग। बस परिभाषा पर जोर दें। यहां अंतर महाद्वीपीय यानी एक से ज्यादा महाद्वीपों के जो विभिन्न जो उनकी नगर है वो आपस में हवाई सेवा से जुड़े हुए होते हैं, तो अलग अलग महाद्वीपों के देशों को जोड़ने वाला जो वायु मार्ग है वो इसमें आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो भी अलग अलग महाद्वीप में आना चाहिए वो शहर। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, जैसे न्यूयॉर्क। अब आपको पता है न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो न्यूयॉर्क से हमारा हवाई जहाज चल पड़ा, लंदन आ गया। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लंदन कहां गया, यानी हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में आ गए। लंदन से हम पेरिस आ गए, यानी यूरोप महाद्वीप के दूसरे नगर पेरिस, फ्रांस में है जो पेरिस, वहां आ गए। पेरिस से चल पड़े हम रोम, रोम इटली में है, रोम आ गए। रोम से हमने अपनी हवाई जहाज को कहां पर ले गए? हम मिस्र के अंदर ले गए काहिरा। काहिरा से हमने उड़ान भरी और हम कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से पहुंच गए हम कोलकाता। कोलकाता से हम पहुंच गए हांगकांग यानी चाइना, और हांगकांग से पहुंच गए हम जापान यानी टोकियो। तो देखिए क्या हुआ, हम चले कहां से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, फिर यूरोप, यूरोप, यूरोप होते हुए काहिरा, कहां गए हम? अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच गए। अफ्रीका महाद्वीप से दिल्ली कोलकाता हांगकांग टोकियो, ये कौन सा महाद्वीप आ गया? एशिया महाद्वीप। तो देखिएगा, हमने एक एयरलाइन को यहां से न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया, और यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप होते हुए हम एशिया महाद्वीप तक के कुछ देशों में पहुंच गए। तो यहां क्या हुआ, हम यात्रा जो कर रहे हैं एरोप्लेन्स द्वारा वो अलग अलग महाद्वीपों के देशों में कर रहे हैं। तो इसलिए ये मार्ग, ये वायु मार्ग किसका एग्जाम्पल हुआ? अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार आप और कह सकते हो, जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से हम चले गए सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को भी उत्तरी अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को से हम चले गए होनोलुलु, होनोलुलु जो एक हवाई द्वीप है होनोलुलु, और वहां से चले गए हम हांगकांग आ गए, और हांगकांग से हम कहां चले गए? हम हांगकांग, हांगकांग से हम चले गए एडिलेड, और एडिलेड से चले गए पर्थ। एडिलेड और पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से एक हवाई द्वीप होनोलुलु, और वहाँ से हम हांगकांग, हांगकांग से एडिलेड, और एडिलेड से पर्थ आ गए। तो यहाँ पर भी आप देखो, उत्तरी अमेरिका, फिर हम एक हवाई द्वीप पर आ गए, फिर हम एशिया महाद्वीप में आ गए, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यहाँ रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मानचित्र में इन लोकेशन को हमें अभ्यास करना है भी आपको ध्यान रहे भी ये कहाँ पर है। अब देखिए आगे दूसरी बात करते हैं, महाद्वीपीय वायु मार्ग।
अब महाद्वीप, ये था अंतर महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य, एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य जो वायु मार्ग है। तो ये तो था अलग अलग महाद्वीपों में, और ये क्या है, महाद्वीप एक ही है लेकिन एक महाद्वीप के अलग अलग देशों में जो हवाई यात्रा है वो यहां पर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें न्यूयॉर्क, और यहां से हम चले जाते हैं शिकागो, और शिकागो से चले जाते हैं मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। तो देखिए ये दोनों कहां पर है, न्यूयॉर्क और शिकागो, ये यूएसए में है, और जबकि मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में है। महाद्वीप तो एक ही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों यानी अमेरिका और कनाडा में हम सफर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया इसे, ये महाद्वीपीय वायु मार्ग का एग्जाम्पल हो गया यहां पर। इसी प्रकार जैसे बात करें एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, अगर बात करें दिल्ली, आगे दिल्ली से हम कोलकाता चले गए, कोलकाता से हांगकांग चले गए, हांगकांग से टोक्यो चले गए, तो भारत, भारत से हम चाइना, और चाइना से जापान चले गए। तो महाद्वीप एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में जब यात्रा करते हैं तो उसे महाद्वीपीय वायु मार्ग है वो कहा जाता है। अब बात आती है तीसरा, और तीसरा है अपना राष्ट्रीय, नेशनल राष्ट्रीय वायु मार्ग। अब तो आप बहुत इजीली समझ गए हो, एक ही देश में तो जब एक ही देश के अंदर हवाई सेवाएं इस्तेमाल की जाती है तो उसे राष्ट्रीय वायु मार्ग है वो कहा जाता है। जैसे ये लिखा हमने न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से शिकागो तक गए, या न्यूयॉर्क से सिर्फ सैन फ्रांसिस्को तक गए, या दिल्ली से सिर्फ कोलकाता तक गए, दिल्ली से सिर्फ मुंबई तक गए, तो क्या हुआ, सिर्फ एक ही देश में। तो जब एक ही देश के अंदर हवाई सेवाएं संचालित है तो उस मार्ग को राष्ट्रीय वायु मार्ग कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रादेशिक, प्रादेशिक तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, यानी एक ही राज्य के अंदर, एक ही राज्य के अंदर, राष्ट्रीय में हमने एक ही देश की बात की थी और यहां पर एक ही राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं। भी एक ही राज्य के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को भी जब हम समय की बचत के लिए वायु मार्गों द्वारा इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रादेशिक वायु मार्ग है वो कहा जाता है। जैसे इस तरह की जो सेवाएं हैं वो यूएसए के अंतर्गत सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, उनमें अधिक विकसित है ये सेवा। उसके बाद आता है स्थानीय वायु मार्ग, लोकल। लोकल की बात करें तो ये जो सेवा इस्तेमाल होती है इसमें मोस्टली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर की सहायता से की जाती है। लोकल यानी बस लोकल एरिया में ही थोड़ी दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हवाई यात्रा है वो मुख्यतः हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर की जाती है। उसके बाद छठा प्रकार आता है सैनिक, युद्ध, कूटनीतिक, राजनीतिक महत्व की। देखिएगा कोई युद्ध की स्थिति आ गई, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी बॉर्डर पर भेजने की जरूरत महसूस हुई, या प्रधानमंत्री है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उस टाइम जिन मार्गों को इस्तेमाल किया जाता है वो अलग से कैटेगराइज यहाँ पर किए जाते हैं। इसमें भी एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी वायुयान का इस्तेमाल किया जाता है, या हेलीकॉप्टर है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे वायु मार्गों के प्रमुख छह प्रकार, अंतर महाद्वीपीय दो अलग अलग महाद्वीपों के मध्य, महाद्वीपीय एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य, राष्ट्रीय में आ गया एक ही देश के अंदर जो हवाई सेवा हो रही है, प्रादेशिक में एक ही देश के राज्यों में या सॉरी एक ही राज्य के अंदर हो रही है, स्थानीय लोकल जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो लोकल स्थानांतरण किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और दूसरा ये युद्ध, सैनिक, राजनीतिक महत्व की जो वायु मार्गों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आ जाती है। तो ये वायु मार्गों के प्रमुख
छह प्रकारों पर हमने बात की। मैंने एक बार फिर मैं आपको कहूं, आपको इसमें ज्यादा इन लोकेशंस का ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा कोई नया नाम मिल रहा है, मोस्टली जो हमने पहले इस्तेमाल किए हैं जो नगर शहर वो यहां पर है। बस आपको प्रमुख देशों के प्रमुख नगरों की, उनकी राजधानियों की एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। मानचित्र का प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और अब आगे पढ़ते हैं अपने पाइपलाइंस के बारे में, विश्व की प्रमुख पाइपलाइंस कौन सी है उन पर बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने विश्व की प्रमुख पाइपलाइंस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं भी ये क्या सिस्टम है। पाइपलाइंस तो आप समझते ही होंगे, घरों में जैसे पानी की सप्लाई होती है, यानी पानी की सप्लाई के लिए तो हम पाइपों का हमेशा से ही इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन पानी के अलावा अब खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ों का भी इन पाइपलाइनों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है भी ये परिवहन का नया साधन है, आधुनिक साधन है। तो पाइपलाइन का इस्तेमाल अब हम किस में कर रहे हैं? खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके ट्रांसपोर्ट में हम इस्तेमाल करने लग गए हैं। और आपको मैं बताऊं भी, जैसे जहां पर तेल निकलता है, जो तेल निकलता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको कहते हैं, वो सब उसमें मिक्स होता है, उसको उसका शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके लिए रिफाइनरी बनाई जाती है। जैसे कि आपको पता है अपने राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पचपदरा के अंतर्गत जो रिफाइनरी है वो लगाई जा रही है। तो अभी तक तो हमारा जो बाड़मेर में जो तेल निकल रहा था उसको गुजरात में साफ होने के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब जैसे ये रिफाइनरी पूरी हो जाएगी उसके बाद में पाइपलाइनों के माध्यम से इसे कहाँ भेजा जाएगा? पचपदरा लेके आया जाएगा, लाया जाएगा, जिससे वहीं पर उसका शोधन का कार्य संपन्न होगा। तो परिवहन का जो आज का ये जो आधुनिक साधन है जिसको हम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, इसके बहुत से लाभ हैं। जैसे परिवहन का ये बहुत ही सस्ता साधन है, इससे ऊर्जा की बचत होती है। पाइपों से जा रहा है कौन सा, अपनी बहुत लाइट खर्च हो रही है, उसमें समय की बचत होती है। हम जल्दी, कोई बीच में व्यवधान नहीं है, बहुत जल्दी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण है वो बहुत कम होता है। और समुद्र भी अगर कहीं बीच में आ रहा है तो पाइपलाइन है, उसके अंदर से बिछाई जा सकती है। तो बहुत से पाइपलाइंस के परिवहन के लाभ भी हैं, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। और यही पाइपलाइन परिवहन का जो टॉपिक है, हम इंडिया भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे जब हम 20वां चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप उसको भी साथ में कंसल्ट कर सकते हो, 20वां जो चैप्टर है। तो ये था परिवहन के प्रमुख लाभ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। अब देखिएगा, विश्व की प्रमुख पाइपलाइंस पर बात करते हैं, और मैंने सबसे पहले लिया है तापी परियोजना को। तापी पाइपलाइन जो परियोजना है उसको मैंने लिया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैस परियोजना है, ध्यान दीजिएगा, इसे नेचुरल गैस है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब बात ये आती है, ये तापी क्या बला है, तो समझिएगा, तापी शब्द बना है टी ए पी आई से, चार शब्दों का मेल है ये, टी ए पी आई। टी का मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान जो देश है। ए का मतलब है अफगानिस्तान, पी का मतलब है पाकिस्तान, और आई का मतलब है इंडिया, यानी अपना भारत। तो ये पाइपलाइन है वो कितने देशों से गुजरेगी? चार देशों से, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी। और देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की कौन सी जगह है? गलकीनाइस। अफगानिस्तान के कंधार से होते हुए पाकिस्तान के मुल्तान होते हुए पंजाब के अंदर फाजिल्का तक आएगी ये पाइपलाइन। तो यानी चार देशों में गलकीनाइस से होते हुए ये कहां तक पहुंचेगी? इंडिया के फाजिल्का, जो फाजिल्का कहां पे है? पंजाब के अंतर्गत है। तो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक इसकी कुल लंबाई कितनी है वो देखिए, 1814 किलोमीटर, 1814 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो उद्घाटन है वो गलकीनाइस में कब हुआ? दिसंबर 2015 में हुआ। आपकी किताब में 3 दिसंबर लिखा हुआ है, आई थिंक वो सही डेट 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर 2015 को इसका तुर्कमेनिस्तान के गलकीनाइस से शुभारंभ होता है। इसको पूरा होने का जो लक्ष्य रखा गया वो सन 2019 रखा गया था, भी 2019 तक ये पाइपलाइन परियोजना है वो पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। और इसका जो संशोधित लक्ष्य अब रखा गया है वो 2022 का रखा गया है, भी 2022 तक इस पाइपलाइन को है, योजना को वो पूरा करना है।
एक चीज इसमें और आती है भी, इस परियोजना को संपन्न करने में हमें जो धन चाहिए, जो आर्थिक सहयोग चाहिए, वो कौन प्रदान कर रहा है? तो वो प्रदान कर रहा है एडीबी। एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक है, वो इसको फंड दे रहा है इस पाइपलाइन परियोजना को पूर्ण करने में। तो आप नक्शे में भी देख पाएंगे, तो आपकी परियोजना है वो चार देश, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी हुई है। जगह की बात करें तो मुख्य जगह है गलकीनाई से फाजिलका तक, बीच में कंधार होते हुए मुल्तान और भी छोटे मोटे जो नगर है वो साथ में आ जाएंगे। टोटल लंबाई है वो 1814 किलोमीटर है, 2019 में पूर्ण होनी थी, लेकिन अब नया लक्ष्य जो रखा गया है वो 2022 तक का रखा गया है। और 1814 किलोमीटर इस लंबी परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग कौन दे रहा है? एशियाई विकास बैंक दे रहा है। जैसे जैसे योजना अपने प्रगति की तरफ बढ़ रही है, बांग्लादेश का भी मन कर रहा है भी क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, तो वो तो चलो भविष्य की बातें हैं। तो ये थी अपनी पहली प्रमुख परियोजना, तापी पाइपलाइन परियोजना। अब अगली परियोजना पर बात करते हैं। दूसरी पाइपलाइन है अपनी नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन जो एशिया की पहली पाइपलाइन है, या अपने भारत की कह लें, जब एशिया की पहली हो गई तो भारत की भी, क्योंकि ये भारत की पाइपलाइन है तो भारत की पहली पाइपलाइन है। और कहां से कहां है? नाहरकटिया नूनमती होते हुए ये बरौनी तक है। ये कहां पर है? आसाम में है, आसाम में है। तो आसाम से कहां तक आ रही है? बरौनी बिहार में है, तो आसाम से बिहार तक है ये, आसाम से बिहार तक। कुल लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है? वो है 1167 किलोमीटर, 1167। आप किताब में देखेंगे तो आपको 57 मिलेगी, लेकिन जब इंडिया वाला चैप्टर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1167 किलोमीटर लंबाई मिलेगी। तो नाहरकटिया से बरौनी पाइपलाइन है वो एशिया की पहली पाइपलाइन है, और इसकी कुल लंबाई है वो 1167 किलोमीटर है। और ये अपनी इतनी लंबाई में लगभग 80 छोटी बड़ी नदियों को भी पार करती है ये पाइपलाइन, और भारत में है ये। अगली पाइपलाइन ये भी इंडिया में है, जिसका नाम है हाजीरा विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन। एच मतलब हाजीरा, वी यानी विजयपुर और जे यानी जगदीशपुर पाइपलाइन है। तो बात करते हैं ये लोकेशन कहाँ पर है। हाजीरा की बात करें तो ये गुजरात में है, जगह गुजरात में है। विजयपुरा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर की बात करते हैं तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है, और इसकी जो कुल लंबाई है गुजरात से यूपी के जगदीशपुर तक की, इसकी लंबाई है 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर ये गैस ये पाइपलाइन है। और गेल इंडिया लिमिटेड है वो इसको बनाया है उसने इसको। उसके बाद आता है बिग इंच पाइपलाइन। ये कहाँ पर है? ये है मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाने वाली पाइपलाइन है। बस सामान्य जानकारी, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिग इंच पाइपलाइन होगी। उसके बाद है टेप पाइपलाइन, वो है फारस की खाड़ी से, बिग इंच वाली है, मेक्सिको की खाड़ी से यूएसए के उत्तरी पूर्वी राज्यों तक है। टेप लाइन है ये, फारस की खाड़ी के कुओं से सिडान नगर तक है वो पाइपलाइन ये जाती है। और अंतिम पाइपलाइन है वो है कोमेकोन पाइपलाइन। मैं आपके सिलेबस में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। कोमेकोन पाइपलाइन ये जो हमारा आज हम जिसको रूस कहते हैं, पहले रूस और उस छोटे कई देश थे जो आपस में मिलकर सोवियत संघ कहलाते थे, तो ये भूतपूर्व जो हमारा सोवियत संघ था उसमें ये पाइपलाइन है वो बिछाई हुई है, जिसको कहा है कोमेकोन पाइपलाइन। तो ये थी अपनी तापी नाहरकटिया नूनमती बरौनी हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, टैप लाइन और कोमेकोन पाइपलाइन के बारे में। विश्व की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पाइपलाइन दी गई थी हमने उनकी जानकारी ली है। इंडिया वाली जो बातें हैं जब हम भारत के संदर्भ में चैप्टर पढ़ेंगे तो इन तथ्यों का वहां पर भी दोबारा उल्लेख आएगा। अब बात करते हैं अंतिम तथ्य जिसका नाम है संचार नेटवर्क। संचार की परिभाषा और साधन के बाद कुछ छोटी बात
छोटी छोटी इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटरों के मध्य स्थापित संबंध को या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य स्थापित संबंध को इंटरनेट कहा जाता है। दूसरी बात आती है उपग्रह संचार के अंतर्गत, हम बात करें सैटेलाइट के बारे में बात करें, हमें पता है स्पेस साइंस के अंतर्गत सबसे पहले रसिया ने फिर अमेरिका ने बहुत प्रोग्रेस की और आज भारत भी स्पेस साइंस में बहुत अग्रणी देशों में शामिल है और बहुत से उपग्रह वो हमने भी पृथ्वी की कक्षा में भेजे हैं। तो यहाँ पर हमें परीक्षा की दृष्टि से ये पता हो भी भारत द्वारा भेजे गए प्रमुख चार उपग्रहों के नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत ने जो सबसे पहला उपग्रह भेजा था, आपको अच्छे से पता होगा, छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं, आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1979 को लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रमुख उपग्रह है भास्कर फर्स्ट, जिसे 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। तीसरा उपग्रह हम बात करें तो रोहिणी है, जो 1980 में भेजा गया था। एप्पल उपग्रह की बात करें तो 18 जून 1981 को पृथ्वी की कक्षा में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भारत द्वारा भेजे गए चार प्रमुख उपग्रह हैं जिन्हें आप परीक्षा की दृष्टि से आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। उसके बाद छोटे प्रश्न के रूप में साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, इसके बारे में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो आप इसमें पहले इंटरनेट की परिभाषा ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब इंटरनेट है वो दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो साइंटिस्टों के दिमाग में एक बात आई भी इसको क्या नाम दें हम। तो एक तरीके से उस इंटरनेट सेवा को ही ये नाम दिया गया है, साइबर स्पेस इंटरनेट। ये कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को साइबर स्पेस इंटरनेट कहा जाता है। यह शब्द है वो 1980 के दशक में प्रचलित हुआ जब इंटरनेट है वो तेजी से बढ़ रहा था। और हमें ये भी पता है जो ये इंटरनेट सेवा है वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब इनसे है वो आवृत रहता है, घिरा हुआ रहता है। और विश्व में अगर हम ये देखें भी सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कौन करता है, तो हमारे सिलेबस के अनुसार पुराने आंकड़े हैं वो दिए गए हैं, अगर उसके अनुसार बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट जो यूज़ करते हैं वो यूरोप देश के लोग करते हैं, 49.6% है वो यूरोपियन है वो इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की अगर बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो 16.9% लोग इस्तेमाल करते हैं। एशिया की बात करते हैं तो 10.70% लोग है वो इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं। ये पुराने आंकड़े हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं वो दिए गए हैं। तो आज आपको पता है भारत के अंदर भी करोड़ों लोग हैं वो इस सेवा से जुड़े हुए हैं और इन सेवाओं के माध्यम से ही मैं अपने घर से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इससे बड़ा संचार का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो ये था दोस्तों आपका 10वें चैप्टर का अंतिम पार्ट, जिसमें आज हमने वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और संचार के कुछ सामान्य बातों से जो रह गई थी उन पर हमने बात की है। आप इसी प्रकार इंजॉय कीजिएगा, अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और अगले वीडियो क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।